हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास टेंथ इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सर्किट डायग्राम देखना आपको ध्यान से। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर। ये हमारे पास फिगर है, इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है, जिसमें ये 8 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, एमीटर A1 बिटवीन बी एंड सी, ये दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में 8 ओम 8 ओम के, एंड फिर एक एमीटर रो लगा रखा है A2, ये की है। तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, ये जो हमारा 8 ओम के जो रजिस्टर लगे हुए हैं इनका। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना। आप सभी देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, बिकॉज 8 ओम रेजिस्टेंस इज आर इन पैरेलल, देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। हम उसको रेजिस्टेंस पी ले लेते हैं, पी मतलब पैरेलल। तो ये हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल के लिए आप सभी को पता है 1/ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू जितने भी हमारे रेजिस्टेंस है पैरेलल में, हम उनको लिखते हैं। तो यहाँ से हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/8 प्लस 1/8 2/8 4, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 एम रेजिस्टेंस। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो वोल्टेज हमें गिवन है 8 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है। तो बी पार्ट में हमें वोल्टेज दे रखी है 8 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे करंट निकालना है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कैसे निकालेंगे, देखो 4 ओम तो ये है, प्लस ये जो हमारा पैरेलल में निकाला है हमने वो, तो 4 + 4 8 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ करंट थ्रू सर्किट पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I = V/R। टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये आया था, तो V कितना 8 और 8 1 एम्पियर। तो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, AB और BC ये सीरीज में है, AB एंड फिर BC से D ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में है। तो करंट जो हमारा फ्लो होगा यहाँ से वो 1 एम्पियर होगा, थ्रू AB C और फिर C से D तक 1 एम्पियर जाएगा, वो यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो हम बस ये बताएंगे कि करंट थ्रू थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इक्वल टू
वन एम्पियर। तो यहाँ पे वन एम्पियर होगा एंड थ्रू लिख देते हैं, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जो पैरेलल में है उसमें भी वन एम्पियर ही जाएगा हमारा। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में इसने क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कितना होगा, यहाँ पे 8 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे करंट गिवन है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कि एट 4 ओम रेजिस्टेंस करंट है 1 एम्पियर, तो वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज बाय ओम्स लॉ 1 × 4 यानी 4 वोल्ट। ठीक है, अब हम आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में पूछा है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। ये 42 यहाँ पे लिखा हुआ है गलती से, तो उसको सही कर लेते हैं। ये हमारा है 4 ओम, तो यहाँ पे कितनी पावर हमारी जा रही है ये हमें बताना है। तो पावर डिसिपेटेटेड एट 4 ओम रजिस्टर, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई है हमारे यहाँ पे 1 और आर है 4, यानी कितनी पावर यहाँ पे हमारी डिसिपेटेड हो रही है 4 वाट। तो पावर भी निकाल दी हमने। अब हम ई पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है, डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग। अब यहाँ पे आप बताओ कि जो एमीटर A1 और A2 इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ से 1 ओम रजिस्टर जा 1 एम्पियर करंट जो फ्लो हो रहा है सी और डी, सी से डी तक ये सीरीज है, तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर ही करंट आएगा। तो ए बी सी डी 1 एम्पियर करंट होगा, यहाँ पे 1 एम्पियर डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, लेकिन डी पे 1 एम्पियर ही आएगा क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे There is no difference, कोई डिफरेंस नहीं होगा इन रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। अब इसका रीजन भी हम दे सकते हैं क्यों नहीं होगा, बिकॉज सेम करंट flows through all resistors in series, in series circuit, क्योंकि सीरीज सर्किट में जितने भी रजिस्टर पैरेलल में होते हैं सीरीज में होते हैं उनमें सेम करंट फ्लो होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था इसके 5 पार्ट से, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे फिजिक्स की आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।